यस नाइन्थ क्लास। देखिए अपन ने रचनाएं की थी, रचनाओं के लिए मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाए थे। आज आपकी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और यह है आपकी एक्सरसाइज 11.2। अब इसमें आप लोगों को रचनाएं दे रखी हैं। रचनाएं किस तरीके से की जाती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें बीसी बराबर दे रखा है, बीसी बराबर है 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में कोण बी बराबर दे रखा है 75 डिग्री। कोण बी का मान कितना है? 75 डिग्री। और ए बी प्लस ए सी बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब आपको यहां पर दो भुजाओं का योग दे रखा है। क्या दे रखा है? दो भुजाओं का योग। सबसे पहले आप लोगों को जो आधार रेखा है वो खींच लेनी है। कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन बी सी खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर की। अब आपको करना क्या है? बी के ऊपर 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो 75 का कोण बनाना आपको बताया था, पहले प्रकार की सहायता से चाप काटेंगे। पहली चाप जो कटेगी वो 60 डिग्री का होगा, दूसरी होगी 120 का। फिर इसके बाद यहां से रख करके चाप काटेंगे और यहां से चाप रख करके काटेंगे और इसको इससे मिला देंगे। ये आपके आगे 90 डिग्री का। आप 75 का बनाना है तो आपको इस कोण का समद्विभाजन करना है। क्या करेंगे? आधे से अधिक दूरी ले लो, एक चाप इधर से और एक चाप इधर से, और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दो। क्या बन गया? ये 75 डिग्री का कोण बन गया। अब आपको दोनों भुजाओं का योग कितना दे रखा? दो भुजाओं का योग दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है? यहां से इसको केंद्र मान करके 13 सेंटीमीटर की चाप काट देनी। यानी ये दूरी जो है वो कितने सेंटीमीटर लेनी है? 13 सेंटीमीटर। अब ये 13 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए ये एक्स है और ये बिंदु डी है। अब डी को आपको किससे मिला देना है? सी से मिला देना है। डी को किससे मिला देना है? सी से। मिल गया। अभी ये त्रिभुज बनानी है। अब आपको करना क्या है? इस डी सी का समद्विभाजन करना, लंब समद्विभाजन करना। तो लंब समद्विभाजन के लिए क्या बताया था आपको? आधे से अधिक दूरी ले लो, एक चाप इधर काटो, एक चाप इधर काटो, फिर ऐसे ही यहां से आधे से अधिक दूरी ले लो, एक चाप इधर काटो, एक चाप इधर काटो, और इन दोनों चापों को मिला दो। ये हो गया इसका लंब समद्विभाजन। अब आप देखिए ये जो लंब समद्विभाजन रेखा है ये इसको कहीं काट रही है, वहां पर बिंदु ए लिख दो। लिख दिया। और ए लेकर के इस ए को सी से मिला दो। ए को सी से मिला दो, बन गया आपका त्रिभुज। कौन सा? ए बी सी। अब आपको इसकी जांच करनी हो तो क्या करें? देखो ए बी और ए सी इन दोनों का टोटल देख लेना, कितने सेंटीमीटर आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए आप लोग, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और जब ये भुजा बराबर है तो ये कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक तो ये रचना है। इसमें क्या है दोबारा देख लीजिए आप लोग, बिंदु वाइज रचना करनी है आप लोगों को। सबसे पहले हमने जो आधार रेखा दी हुई है उतने सेंटीमीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची, खींच दिया। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट, कोण बी बराबर कितने का बनाया? 75 डिग्री का। फिर इसके बाद में ये जो बी एक्स रेखा है ये क्या है? कोण वाली रेखा है। अब इसमें से हमने 13 सेंटीमीटर की चाप काटी, दो भुजाओं का योग दे रखा है, उतनी ही दूरी लेकर के इसमें से चाप काट दी। ये बिंदु ले लिया डी। अब डी को किससे मिला दिया? सी से मिला दिया। अब इसकी दो तरीके से रचनाएं हो सकती हैं, या तो आप लोग ए डी सी, कोण ए डी सी जो दे रखा है उसी के बराबर कोण ए सी डी बनाओ, या तो कोण के बराबर कोण बनाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप डी सी का लंब समद्विभाजक खींचो। लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो इसमें जो भी बिंदु स्थित होंगे उनकी दूरी दोनों से क्या होगी? बराबर होगी। ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, प्रमेय है ये। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि या तो आप इस इन दोनों कोणों को बराबर बनाओ या फिर आप इस भुजा का लंब समद्विभाजक कह दो। ये जो दोनों भुजाओं की योग वाली रेखा है इसको जहां पर मिले वहां पर ए बिंदु लिख दो, ए को फिर सी से मिला दो, आपके अभीष्ट त्रिभुज तैयार हो गए। तो पहली स्थिति तो आपकी ये थी, कल मैंने आपको बताया था। तो आपके जो सवाल नंबर दे रखे हैं, पहला सवाल आपका ऐसा ही है। फिर इसके बाद में दूसरा है दो भुजाओं का अंतर, ये तो था योगफल के लिए। अब दूसरी रचना देखिए,
दूसरी आपको जो रचना बताई गई थी थोड़ी सी ये कठिन है, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको दे रखा है बीसी बराबर, दूसरा ही प्रश्न ले रहा हूं, बीसी का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद में कोण बी का मान दे रखा है 45 डिग्री, और दो भुजाओं का अंतर यानी AB माइनस AC ये बराबर दे रखा आपको कितने सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। देखो पहले आप लोगों को दो भुजाओं का योग दिया गया था, अब यहां पर दो भुजाओं का अंतर दे रखा है, तो ऐसी स्थिति आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहां पर आधार है BC, तो BC कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, BC 8 सेंटीमीटर की रेखा खींची। अब B पर आपको 45 डिग्री का कोण बनाना है, 45 का कोण बनाने के लिए सबसे पहले आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए देखिए चाप काट दी अपन ने, पहली चाप 60 डिग्री का, दूसरी 120 का, इसका ये, तो ये आ गया आपके 90 डिग्री का, 90 का कोण हो गया। अब 90 का कोण बनाने के बाद में आप इसका समद्विभाजन करेंगे, समद्विभाजन करेंगे तो देखो आधे से अधिक दूरी ले लो, एक चाप ऊपर इधर से भी, एक इधर, और फिर इसको इससे मिला दो, ये इसका समद्विभाजन हो गया। अब ये जो कोण आ गया ये आपके आ गया 45 डिग्री, पहला काम हो गया। अब इसके बाद में आपको भुजाओं का अंतर दे रखा है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लो और यहां से 3.5 सेंटीमीटर की चाप काट दो, यहां से कितने सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर की चाप काट दो, ये आप एक्स कर दो और यहां पर डी लिख दो। अब आपको करना क्या है, बी को सी से मिला दो, मिल गया। अब इसके बाद में देखो ये अपन ने चाप काट दी, डी को सी से मिला दिया, अब आपको डी का समद्विभाजन करना है। डी को देखो ये रेखा जो है बिल्कुल सीधी, अगर आप खींचेंगे स्केल से तो बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। अब इसका समद्विभाजन करेंगे, देखो लंब समद्विभाजन करेंगे तो आधे से अधिक दूरी ले लो, एक चाप ऊपर एक अंदर की तरफ, एक इधर और एक इधर, और इस समद्विभाजक रेखा को आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया। अब आप देखिए इसको, ये जो कोण वाली रेखा है इसको भी आप आगे बढ़ाएंगे, अब ये कहीं आगे जाकर के एक दूसरे को क्या कर देंगे, मिल जाएंगे, आगे जाके एक दूसरे से मिल जाएंगे, और ये बिंदु जहां पर मिलेंगे वहां पर ए लिख दो, और ए को सी से मिला दो, ए को सी से मिला दो, इस तरीके से जो त्रिभुज बन गया वो बन गया आपके ABC। अब यहां पर देखो ये और ये दोनों दूरियां बराबर है, एक बार फिर देखो सबसे पहले हमने क्या किया, BC बराबर यानी जो आधार दे रखा है उतने सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर इसके बाद में हमने प्रकार की सहायता से, मैंने आपको पहले भी बताया था जहां तक संभव हो कोण प्रकार की सहायता से ही बनाने हैं। अब यहां पर देखो 45 डिग्री का कोण कैसे बनाया जाता, मैंने कोण बनाना आपको बता ही दिया था, तो पहले 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींच दो। अब इसके बाद में क्या करें, जैसे दो भुजाओं का अंतर दे रखा है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, तो आप इसमें से 3.5 सेंटीमीटर की चाप काट देंगे, काट दिया, ये बिंदु आ गया डी, डी को आप सी से मिला दें, डी को किससे मिला देंगे, सी से मिला देंगे। डी को सी से मिलाने के बाद आप लोगों को डीसी का लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करेंगे आप लोग, इसकी आधे से अधिक दूरी ले लो, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे की तरफ, ऐसे इसका भी करो, आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप इधर एक चाप इधर, दोनों चाप जहां काट रही है उसको आगे पीछे बढ़ा दो। इस कोण वाली रेखा को भी हम आगे बढ़ाएंगे, दोनों के दोनों यानी ये समद्विभाजक रेखा और ये कोण वाली रेखा एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहां पर बिंदु ए आ जाता है। अब इस ए को आप सी से मिला देंगे, तो इस तरीके से आप लोगों के जो त्रिभुज बनेगा कौन सा होगा, AB और C, ये त्रिभुज अभिष्ट त्रिभुज होगा। ये कब है, जब अपने को दो भुजाओं का अंतर दे रखा हो। अब इसके अंदर एक लास्ट स्थिति और है, और वो क्या है, जब अपने को त्रिभुज का परिमाप दे रखा हो। तो देखो दो स्थितियां आपकी क्लियर हैं, अब इसके बाद तीसरी स्थिति, फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो तीसरी स्थिति क्या दे रखी है, अब इसके तीसरी स्थिति पर आधारित आप लोगों के सवाल हैं, एक तो चौथा और एक
पांचवा देखिए, पांचवे में आधार दे रखा है कर्ण और अन्य भुजा का योग, मतलब पांच चौथा पांचवा दोनों आप लोगों के एक जैसे सवाल हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, देखिए अगर परिमाप दे रखा हो तो किस तरीके से आप लोगों को इसकी रचना करनी है। जैसे आपको देखिए त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाना है, जिसके अंदर आप लोगों को दे रखा है कोण वाई बराबर 30 डिग्री, फिर कोण जेड बराबर है 90 डिग्री, और इसका जो परिमाप दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपको दे रखा है 11 सेंटीमीटर। ये आपके पास में सवाल है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो परिमाप दे रखा है उसको आप खींच लीजिए, परिमाप जितना, जैसे परिमाप 11 सेंटीमीटर है तो 11 सेंटीमीटर की रेखा खींच लो, कोई भी नाम दे दीजिए इसको, ए बी पी क्यू आपके जैसे जो पी क्यू दे देते हैं जैसे। अब आपको करना क्या, आधार के दो कोण दे रखे हैं, एक दे रखा है 30 डिग्री और एक दे रखा है 90 डिग्री, तो पहले आप पी पर 30 डिग्री का कोण बनाओ। 30 का कोण के लिए आप लोगों को 60 डिग्री के कोण की जरूरत होगी, तो पहले चाप काटेंगे, जो चाप है ये पहली चाप कटेगी वो कितने का होगा 60 डिग्री का। इसका संधिवादन करो, एक इधर से आधे से आधी दूरी लेके एक इधर से, ये बन गया आपके कोण 30 डिग्री। ऐसे ही आप लोगों को क्यू पर कितना दूसरा कोण है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का कोण बना दो, ये 60 का 120 का, एक चाप इधर से एक चाप इधर से, इसको इससे मिला दो, ये आपके हो गया 90 डिग्री। अब आपको करना क्या है, इन कोणों का संधिवादन करना है, दोनों कोणों का। इसका संधिवादन करें, देखो आधे से अधिक दूरी ले लो, एक चाप इधर से और एक नीचे वाले बिंदु से, ये तो हो गया इसका संधिवादन, ठीक है। ऐसे इसका संधिवादन करो, यहां से ले लो एक, तो एक चाप इधर से एक चाप इधर से, ये दोनों, ये इस कोण का संधिवादन हो गया। अब ये दोनों संधिवादक जहां काटते हैं वहां पर आप एक्स लिख दो, लिख दिया। अब इसके बाद में ये जो पी एक्स और क्यू एक्स है इसका लंब संधिवादन करेंगे, पी एक्स और क्यू एक्स भुजा का। तो लंब संधिवादन के लिए क्या करें, आधे से अधिक दूरी लो, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर एक यहां से, जो रेखा जिसका कर रहे हैं उसी दोनों बिंदुओं से, जैसे पी एक्स है तो पहले पी से और फिर एक्स से, और फिर इसको आगे बढ़ा दो। ऐसे ही क्यू एक्स का करो, आधे से अधिक दूरी लो, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक इधर से और एक इधर से, इसको भी से मिला दिया। अब आप देखिए आधार को ये जहां पे काट रहे हैं वहां पर बिंदु वाई और जेड लिख दो, एक्स को वाई से मिला दो और जेड से मिला दो, ये आपके बन गया त्रिभुज एक्स वाई जेड। इस तरीके से आप त्रिभुज की रचना कर लेंगे। तो आपकी प्रश्नावली का लास्ट दो सवाल इसी तरीके से हैं। फिर बता दूंगा एक बार, सबसे पहले पी क्यू अपन ने जो परिमाप दे रखा वो खींच लिया, पी पर सबसे पहले कितने का कोण बनाया 30 डिग्री का, और क्यू पर बनाया 90 डिग्री का। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इन कोणों का संधिवादन, कोणों का संधिवादन करेंगे, दोनों संधिवादक जहां पर मिलेंगे वो आगे आपके बिंदु एक्स। फिर इसके बाद में पी एक्स और क्यू एक्स, इसका लंब संधिवादन किया, दोनों लंब संधिवादक आधार रेखा को एक तो काटता है वाई पे और एक काटता है जेड पे, इस वाई और जेड को क्रम से एक्स और वाई, एक्स वाई और एक्स जेड को मिला दिया, इस प्रकार से आपके त्रिभुज तैयार हो गया। तो ऐसे आपकी ये एक्सरसाइज खत्म, रचनाएं खत्म। अब आपको नया टॉपिक बताएंगे कल दूसरी बार, कल दोबारा देखेंगे, कल दो नई चीज आपको बताई जाएगी, पहले आप लोग अपनी कॉपी के अंदर इसको पूरा कर लेना। थैंक यू।